जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड राइटर्स पार्ट 2। जी हाँ, ये हमारी क्लास 2 होगी इस पर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो 2020 और 19 में चर्चा का विषय रही हैं, और ग्रुप डी या फिर अन्य एग्जाम्स का, ये जो एग्जामिनर होता है उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि वो एक बुक्स तो जरूर ही देंगे और उसके राइटर्स के नाम बारे में पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं। कल हमने 20 बुक्स की थी, आज फिर हमारी वही श्रृंखला चलेगी। ये हम तीन चार पार्ट में 4-5 दिन लगातार 20-20 बुक्स करके क्या करेंगे, जो बुक्स वाला मे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसको ख़त्म कर देंगे, और फिर अगले जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो 2020 में चर्चित पर्सन जिनकी डेथ हुई है उस पर हम 2-3 क्लास कर लेंगे, जो चर्चित चर्चित पर्सन हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी स्पेशल क्लास है एनटीपी, वो ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी स्पेशल है, बट आप सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, बुक्स हैं, राइटर्स हैं, तो सब में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था 20 बुक्स के बारे में, आज फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। वॉइसेज ऑफ डिसेंट, आप वहीं जहाँ से आपने 20 बुक्स उस वाली क्लास की लिख ली होंगी, तो 21 नंबर डालकर चलिए। वॉइसेज ऑफ डिसेंट पूछा जाएगा, वॉइसेज ऑफ डिसेंट किसकी बुक है? वॉइसेज ऑफ डिसेंट, तो ये है रोमिला थापर। रोमिला थापर, वॉइसेज ऑफ डिसेंट अर्थात मासूम की आवाज। और जब किसी को थप्पड़ मिलता है तो वो क्या करता है? रोता है। जो मासूम बच्चा होता है, इनोसेंट टाइप का होता है, तो थप्पड़ मिलने पर क्या होता है बाबू? रोता है। तो मैंने तो इसको इसी तरह याद कर लिया, डिसेंट ऑफ डिसेंट, वो वॉइसेज ऑफ डिसेंट रोमिला थापर हो जाती हैं। नेक्स्ट बुक की बात कहूँ, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा, इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी, सिर्फ दिन में 3 बार रिवीजन कर लीजिए, ना तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। 3 बार रिवीजन कर लीजिए और 1 बार अपने आप रफ में लिख लीजिए, बिल्कुल रट जाएंगी, जबान पर आ जाएंगी। संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा, ये हो जाती है गुलाब कोठारी की। माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन, ये हो जाती है बाबू गौरी खान। किसकी बुक है? गौरी खान। माई लाइफ इन डिज़ाइन, गौरी खान। ये सब अंग्रेजी के राइटर हैं, तो हमको ये देवनागरी लिपि में लिखना पड़ता है। माई लाइफ इन डिज़ाइन, गौरी खान हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है वो हो जाती है द एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत, इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत, क्लाउड आरपी की है। किसकी है बाबू? लेखक कौन है? क्लाउड आरपी। क्लाउड आरपी, माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा गुलाब कोठारी, वॉइसेज ऑफ डिसेंट रोमिला थापर हो जाती हैं, और द एंड ऑफ एन इरा, इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत, ये हो जाती हैं क्लाउड आरपी। जो नेक्स्ट आ जाती है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन। तो यतीश यादव,
यतीश यादव। रॉ हमारे देश की एक संस्था है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो क्या करती है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और स्पेशली चाइना पर नज़र रखती है। तो उसी के बारे में लिखा है इन्होंने, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन यतीश यादव, द एंड ऑफ एन ईरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत क्लाउड आरपी, माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान, संवाद उपनिषद एंड अक्षर यात्रा गुलाब कोठारी, वॉइसेज ऑफ डिसेंट रोमिला थापर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो अगला आ जाता है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ऑफ लिटिल लव किसके हो जाते हैं, करण जौहर। करण जौहर, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, छोटे प्यार की बड़ी सोचें, करण जौहर। जौहर मतलब क्या होता है कि प्राचीन टाइम में आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो जौहर हो जाता था, जैसे कि पद्मिनी के टाइम में हुआ था, और एक और नाम आता है उनके टाइम में। जौहर मतलब क्या होता था, आग जलाकर खुद मर जाते थे। और क्या होता है, छोटे छोटे प्यार में लोग जौहर कर लेते हैं, मर जाते हैं, करण जौहर। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट आज बुक आ जाती है, आज़ादी आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन, फ्रीडम फ्रैक्सिज्म फ्रैक्सिज्म फैसिज्म फैसिज्म एंड फिक्शन फिक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये अरुंधति रॉय जी की है, अरुंधति रॉय। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर हो जाते हैं, आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन अरुंधति रॉय की हो जाती है। थिंक लाइक अ मॉक, थिंक लाइक अ मॉक किसकी बुक हो जाती है, जय सेट्ठी, जय सेट्टी की बुक हो जाती है। थिंक लाइक अ मॉक जय सेट्टी हो जाती है। बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क अब्दुल मन्नान करके नाम है इनका, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। कौन हो जाते हैं लेखक बाबू, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। थिंक लाइक ए मॉक जय सेट्ठी, आजादी फ्रीडम फैक्सिज्म एंड फ्रिक्शन अरुंधति रॉय, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्लास हो जा वो बुक्स हो जाती वो हो जाती है, अवर ओनली है होम, अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड, अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड। तो ये दलाई लामा, 14वें दलाई लामा है, तो दलाई लामा जी की है, दलाई लामा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये कौन है, तो तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और चीन ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ की तिब्बत की सरकार थी उसी के प्रमुख थे दलाई लामा। और ये कहाँ, भारत में आके भारत में शरण ले लेते हैं। तो बात करते हैं, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर, आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म एंड फिक्शन अरुंधति रॉय, थिंक लाइक अ मॉक जय सेट्टी, बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान, और अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड दलाई लामा। तो ये आपने नोट्स कर लिया होगा, मैं साफ कर देता हूँ इसको। जो हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है वो हो जाती है क्रिकेट क्रिकेट द्रोण। कौन हो जाती है बाबू, क्रिकेट द्रोण।
क्रिकेट, द्रोण, जतिन परांजय, जतिन परांजय एंड आनंद बसु कौन हो जाते हैं लेखक? जतिन परांजय एंड आनंद बसु हो जाते हैं। जो नेक्स्ट आ जाती है, वन अरेंज्ड मर्डर, अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत, चेतन भगत। ये आपको शायद देखने में बड़ी अजीब बुक्स लगती हो क्योंकि इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है ये देवनागरी लिपि में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेखक हैं ये हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। और आपके ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से बताए दे रहा हूँ। हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, तो ये हो जाते हैं बाबू श्री अय्यर। कौन हो जाते हैं? श्री अय्यर। हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, श्री अय्यर हो जाते हैं। जो अगली बुक है बहुत बड़ा सा नाम है, नेताजी, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अकाइवर्स, ब्रिटिश अकाइवर्स एंड ब्रिटिश अकाइवर्स। लेखक हो जाते हैं कल्याण कुमार डे। कौन हो जाते हैं बाबू? कल्याण कुमार डे हो जाते हैं। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अकाइवर्स, कल्याण कुमार डे। जो नेक्स्ट हो जाती है बुक वो हो जाती है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, मैथ्यू मैक नागे। ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? मैथ्यू मैक नागे, क्रिकेट दौड़, जतिन परांजय एंड आनंद बसु, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत, हु पॉइंटेड माई लास्ट रेड श्री आयर, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अकाइवर्स, कल्याण कुमार डे, ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू मैक नागे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, इसका जो विमोचन किया, पूछा जाएगा किसके द्वारा विमोचन किया गया है, तो ये राजनाथ सिंह द्वारा, राजनाथ सिंह। कौन है ये? तो ये भारत के रक्षा मंत्री है। कौन है बाबू? ये रक्षा मंत्री, भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, लखनऊ से लोकसभा सांसद हो जाते हैं। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, विमोचन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। जो नेक्स्ट बुक आ जाती है वो हो जाती है हमारी अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या, नीना, नीना गुप्ता। कौन हो जाती है? नीना रॉय, सॉरी नीना रॉय, गुप्ता नहीं रॉय। अमेजिंग अयोध्या नीना राय हो जाती हैं। कोरोना कवितकाल, कवितकाल तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई हो जाते हैं। जो नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी वो हो जाती है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड
पेरेंट्स अ बैग ऑफ स्टोरीज। तो इसके लेखक हो जाती हैं सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, अर्थात जो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, वो क्या है, स्टोरीज कहानियों की क्या है, एक बैग है, थैले हैं, सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। जो नेक्स्ट आ जाती है स्वच्छ भारत क्रांति, 20 नंबर, स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये पूरा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाती है, जैसे कि ये वाली हो गई पूरे मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी और राजनाथ सिंह ने, और इसको जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा लॉन्च, अर्थात विमोचन, विमोचन। तो फ्रेंड्स, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, राजनाथ सिंह द्वारा, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, कोरोना कवितकाल, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, सुधा मूर्ति, स्वच्छ भारत क्रांति, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये हमारी आज पार्ट 2 बुक्स की 20 बुक्स फिर हो गई, और इस प्रकार हमारी जो 40 बुक्स हैं वो 40 बुक्स कंप्लीट हो गई। आगे आने वाली क्लास में भी हम इसी तरह 20 20 बुक्स करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।